एक लड़का एक लड़की के मर्डर केस में उसे सजा होनी थी और कोर्ट में पहुंचता है, उसके परिवार के लोग साथ होते हैं, उसका वकील साथ होता है और जैसे ही कोर्ट के अंदर प्रवेश करता है और पहुंचता है, वहां महिला जज होती हैं। जैसे महिला जज को देखता है वो लड़का तो उसके आंसू निकल पड़ते हैं और महिला जज जब उसे देखती हैं तो उसे देखती रहती हैं। कोई और नहीं थी महिला जज जो होती है, उस लड़के की तलाकशुदा पत्नी होती है जो जज बनी हुई बैठी होती है। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये सिर्फ कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी को गौर से सुनिए, इस कहानी का रहस्य क्या है, बड़ी दर्द भरी कहानी है। एक बार अगर आप इसे सुनेंगे तो समझेंगे। थोड़ा सा समय निकाल करके अगर हमारी कहानी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम होता है संजय शर्मा और जो लड़की होती है जिसका नाम होता है नेहा शर्मा, इनका विवाह होता है बड़ा हंसी खुशी से। नेहा शर्मा जो होती है अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल जब पहुंचती है, पहुंचने के बाद और बड़ी ठीक ठाक रहती है, एक साल तक तो सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन जो नेहा शर्मा होती है ये पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी, लेकिन इसका जो पति होता है, पति अपनी पत्नी को हमेशा टॉर्चर किया करता था। ये दूसरी लड़की से मोहब्बत किया करता था, उससे प्यार किया करता था, उसे अकेले में लेकर जाता था और उससे बात किया करता था और उसके सामने उसकी फोटो दिखाता था। नेहा शर्मा फिर भी कुछ नहीं कहती थी, वो पढ़ी लिखी लड़की थी। समय दोस्तों यूं ही गुजरता गया। धीरे धीरे जब ज्यादा उसने संजय शर्मा ने उस लड़की को घर लाना शुरू किया और पत्नी को परेशान शुरू कर दिया और अंत में उसे धक्का मार के और जब जब उसे बात करती थी तो उसके पिटाई कर देता था। लेकिन वो लड़की एक पढ़ी लिखी थी, किसी मुकाम पर पहुंचने वाली थी। नेहा शर्मा कोई बात पर गौर नहीं करती थी। जब ज्यादा उसने परेशान किया और अंत में जो संजय शर्मा होता है वो कहता है कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं तुमसे बिल्कुल राजी नहीं हूं। बार बार नहीं, हजार बार जब कहा तो नेहा शर्मा अपने पिता को बुलाकर अपने घर चली जाती है महके। घर जाने के बाद जो संजय शर्मा होता है तलाक के कागज डाल देता है। जो उसकी जिंदगी में लड़की आई थी रुचि, उसके चक्कर में अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद समय यूं ही गुजरता गया। नेहा शर्मा जो होती हैं ये अपने पिता के यहाँ रह करके ये जज की तैयारी करती हैं, जज की तैयारी करती हैं और इन्होंने पढ़ाई इतनी की। पढ़ाई करने के बाद भगवान की ऐसी कृपा होती है कि वो जज बन जाती हैं। जज बनने के बाद और उन्हें जजमेंट करने का मौका दिया गया और कोर्ट में ये लोगों को न्याय सुनाना शुरू करती है। दोस्तों समय यूं ही गुजरता गया। जो संजय शर्मा होता है एक लड़की के चक्कर में इतना पागल हुआ कि इसका सब कुछ तहस नहस हो जाता है। दोस्तों कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप सुनेंगे तो सोचेंगे आखिरकार ऐसे कैसे हुआ, उस नेहा को कितनी दया आई थी। दोस्तों उसके बाद में समय यूं ही चलता गया, लेकिन जो वो लड़का जिस लड़की से प्यार करता था, रुचि नाम था, उसका एक दिन किसी ने मर्डर कर दिया। मर्डर जब कर दिया, क्योंकि सारा लोकेशन सारे सब कुछ सबूत उस संजय शर्मा की प्राप्त हुआ, जब उसका मर्डर हो गया तो पूरा दोष पूरा इल्जाम उसके घर वालों ने उस संजय शर्मा के ऊपर अर्पण कर दिया। संजय शर्मा को जब दोषी पाया गया, क्योंकि उसी से मोहब्बत करती थी, उसी से प्यार करती थी, उसी के साथ होटल में गई थी और वहां इसकी डेथ हो गई, ये मार दी गई। किसने मारी ये कोई पता नहीं लग पाया, लेकिन जो भी दोष था इसे दिया गया। इसे इसके नाम FIR होती है, इसका सब कुछ सबूत पाया जाता है तो ये पकड़ करके जाता है, इसे जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद 2 साल की सजा काटता है और फिर घर आ जाता है। घर आने के बाद और वो मुकदमा चलता है। मुकदमा जब चलता रहता है, चलने के बाद और जब दोबारा उसकी सजा होनी होती है तो सब लोग जानते हैं कि इसकी आजीवन सजा होनी है। वकील भी सोचता है कि बच नहीं सकता, क्योंकि लड़की का मर्डर किया है, इसका सबूत सब कुछ पाया गया है।
तो वकील भी कहता है कि हो सकता है कि कोशिश हो सकती है ये बच जाए, लेकिन भगवान पर विश्वास रखो, दोषी तो दोषी होता है, क्योंकि कोर्ट एक सबूत चाहता है, केवल एक कागजात चाहता है। दोस्तों यही चलते धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता गया। जब कोर्ट में उसकी तारीख की सुनवाई होती है, जब वो कोर्ट में पहुंचता है, उसके घर के लोग साथ होते हैं दो एक, और उसका वकील साथ होता है और गवाह भी साथ होते हैं। जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करता है ये कोर्ट में जैसे ही प्रवेश करता है, तो क्या देखता है कि सामने जो महिला जज होती है, जिनका नाम होता है नेहा शर्मा और लड़के का नाम होता है संजय शर्मा, जैसे ही वो संजय शर्मा उसे देखता है, तो देख करके उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, रोने लगता है और दोनों हाथ जोड़ लेता है। नेहा शर्मा जो होती है उसे देख करके और कुछ देर तक देखती है, फिर सोच में पड़ जाती है, इसे तो सजा होनी है, लेकिन अब क्या करूं। इसके बाद में वकील लोग होते हैं, अपने अपने कागजात पेश करते हैं, वकील आए जो भी होता है वहाँ बहस करते हैं, लेकिन संजय शर्मा दोनों हाथ जोड़ करके टकटकी लगा करके नेहा शर्मा की तरफ देखकर आंसू बहा रहा था, खड़ा था, कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे पता नहीं है कि इसका मर्डर किसने किया। लेकिन नेहा शर्मा जो होती है उसे देख करके उसने कुछ दया आती है और कहती है कि एक दो तारीख और बढ़ा दी जाए, कुछ सबूत इसमें है, उसे हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। इसके बाद में संजय शर्मा होता है, दोनों हाथ जोड़ता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। तो वो कहती है कि माफ ऐसे नहीं किया जा सकता, शाम को मेरे बंगले पर मिलना आपकी इनकारी होगी, और अपने एक मुंशी से उसे अपना नंबर दिलवाती है, इस पर अकेले में बात करना, किसी को बताने की कोशिश की तो सजाए मौत आपको हम फांसी लगवा सकते हैं, किसी को बताने की कोशिश मत करना। नंबर दे दिया जाता है, वो घर आ जाता है। संजय शर्मा आने के बाद शाम को 9 बजे जब संजय शर्मा जो होता है और नेहा शर्मा जो जज होती है उनसे फोन करता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा कोई दोष नहीं है, उस लड़की को पता नहीं किसने मारा था, मेरा हकीकत में कोई दोष नहीं है। लेकिन नेहा शर्मा कहती है कि संजय आपने कोई गलती जरूर की होगी, उसका तुम्हें भोग भोगना पड़ रहा है, किसी के साथ आपने कोई गलत किया होगा, उसका नतीजा तुम्हें जेल काटने को मिली, आपने जो गलत किया उसका नतीजा तुम्हें अवश्य मिल रहा है। संजय शर्मा कहता है कि और कोई गलत कार्य नहीं हुआ, हुआ तो वो हुआ जो मैंने आपको नहीं अपनाया, आपको छोड़ दिया था। तो नेहा शर्मा होती है कहती है कल मुझे मेरी ऑफिस में अकेले में मिलो, तब मैं तुमसे बात करती हूँ। सवेरा होता है, वो इंतजार करता है और जाता है, अकेले में नेहा शर्मा मिलती है और उनसे बात करता है। नेहा शर्मा कहती है कि संजय तुमने जो हमारे साथ किया सलूक वो ठीक किया, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी, आपने उस लड़की को मेरे सामने लाते थे, मेरे सामने उससे बात करते थे और उसके साथ रंगरेलियां मनाते थे और मुझे दोष लगा करके तुमने घर से निकाल दिया था। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये मेरी पत्नी है, कि मैं यहाँ कहाँ से लाया हूँ, आपने मुझे बहुत परेशान किया, अंत में आपने ही मुझसे डिवोर्स ले लिया और मुझे अलग कर दिया, अब मुझसे क्या चाहते हो, उम्मीद क्या है जो तुम चाह रहे हो। तो वो दोनों हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ने को होता है, तभी वो रोक लेती है, बोलो रुक जाओ, कहते हैं कि बस मुझे अब माफ कर दो, जो हुआ वो हो गया, वो लड़की को पता नहीं किसने मारा, मुझे हकीकत में नहीं मालूम कि उस लड़की को मौत के घाट किसने उतारा और मुझे जेल की सलाखों के पीछे किसने पहुंचाया, केवल आप ही बचा सकती हैं और कुछ नहीं है, अब मुझे और ज्यादा बात करने का समय नहीं है, मुझे अपनाने के लिए अब आप अपना सकती हैं, लेकिन मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकती। जब ये कहा मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकते, तो नेहा शर्मा कहती हैं उम्मीद अपनाने की छोड़ दो, आप डिवोर्स ले चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, लेकिन अब हम आपको अपना तो नहीं सकते, न तुम हमें अपना सकते हो, और मेरा प्लान ये है कि आपकी जो सजा है इसमें हम रिहा कर सकते हैं, तुम्हें निकाल सकते हैं, कुछ भी है तुम्हारी रिपोर्ट के अलावा तुमको कुछ सबूत जुटाने होंगे और आपको हम निर्दोष कर देंगे,
आपकी सजा बरी कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहो कि मुझे अपना पति बना लो और अपने पास रख लो, ये भविष्य में भी अपने दिमाग से ये हर बात बाहर निकाल देना। दोस्तों ये कहकर के संजय शर्मा रोने लगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, जो मैंने तुम्हारे साथ ये सलूक किया उसका नतीजा मुझे आज भोगने को मिल रहा है। और दोस्तों ये हकीकत है, किसी के साथ करोगे तो उसे कहीं ना कहीं उसका दुख उसका दर्द आपको झेलना पड़ेगा। नेहा शर्मा कहती है कि बस हम इतना कर सकते हैं कि तुम्हें जो तुम्हें सजा आजीवन की मिल रही है आपको हम इससे बरी कर सकते हैं, तुम अपना दूसरा विवाह कर लेना, लेकिन अब ये मत सोचना क्योंकि आप वही इंसान हो, आप वही इंसान हो जो किसी का दुख दर्द नहीं समझते हो। मैं परेशान रहती थी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती थी, लेकिन आप उस लड़की को तवज्जो देते थे और मुझे पीटा करते थे। मैं वही नेहा शर्मा आज जज हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें अपना कुछ समय के लिए पति माना था, लेकिन आपने पत्नी फर्ज बिल्कुल नहीं निभाया और तुमने हमें अलग कर दिया। अब यही उम्मीद रखो कि मैं तुम्हारी सजा माफ कर सकती हूँ और कुछ नहीं। अगर आपने किसी को बताया कि ये नेहा शर्मा मेरी पत्नी है तो आपको सजा मैं कहीं ना कहीं से फिर दिला सकती हूँ, इतना तो मैं कर सकती हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो कहता है कि बस इतना ही कर दो, आपकी कृपा होगी, आप मुझे इस केस से बाहर कर दो। ठीक है जाओ, कल जो होगा कोर्ट में वो देखा जाएगा। इतनी कहने के बाद कोर्ट में जब पहुँचते हैं, नेहा शर्मा जो होती है कहीं न कहीं से कोई पॉइंट निकाल करके उसे रिहा कर देती हैं, उसे निर्दोष साबित करने के बाद उसे कोर्ट से बरी कर देती हैं। बरी करने के बाद उसके बाद में वो मिठाई लेकर के जाता है, नेहा शर्मा को देता है, लेकिन नेहा शर्मा कहती है जाओ मिठाई लेकर के आए हो ये अनाथ बच्चों को बांट दो, और आज से कभी भी गलत कदम मत उठाना, लेकिन किसी को मत बताना कि मेरी पत्नी जो पहले थी तलाकशुदा उसने मुझे रिहा किया है, लेकिन आप रिहा करने लायक तो नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें रिहा किया है, आप जाइए। दोस्तों वो बाय जिस चला जाता है। कमेंट करके अवश्य बताइए क्या नेहा शर्मा ने ये सही किया, जो दायित्व था उसे अपनाने के लिए कहा लेकिन उसने अपनाने का मना कर दिया, लेकिन उसका जो सजा थी उसे माफ कर दिया, पति होने के नाते रहम आया उसे छोड़ दिया। दोस्तों कमेंट करके ये भी बताइए क्या संजय शर्मा ने सही किया था इसके साथ या गलत किया था। आज उसे रिहा कर दिया, वो अपने घर पर रहता है। ये कहानी सुना करके किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को टॉर्चर करना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। नेहा शर्मा जैसी स्त्री इस संसार में आती रहे तो संसार की भलाई यूं ही बनी रहे। कमेंट करके अवश्य बताइए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।